अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से आप एक कस्टम शॉप पेज बना सकते हैं वू कॉमर्स के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि आप कोई भी थीम इंस्टॉल करते हैं और वू कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ जो शॉप पेज आप सेट करते हैं तो वो जो शॉप पेज है वो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो जाता है उस थीम के लिहाज से। उसके जितने भी कलर्स या डिज़ाइन है वो उसी तरह से सेटअप हो चुका होता है और बेसिक से टिपिकल सा आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। तो उसको मज़ीद आप किस तरह से एडिट कर सकते हैं, किस तरह से उसके अंदर और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, उसको कस्टम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे शॉप पेज के अंदर ये वाला और सेक्शन चाहिए, हेडर चाहिए, फुटर चाहिए, इस तरह की चीज़ें चाहिए, ये चीज़ रिमूव चाहिए, ये चीज़ एडिट चाहिए, तो किस तरह से आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आपको लिमिटेड से ऑप्शन मिलते हैं, बट आज के इस लेक्चर के अंदर मैं बताऊँगा कि एलिमेंटर प्रो को यूज़ करते हुए और आस्ट्रा थीम को यूज़ करते हुए किस तरह से आप एक कस्टम डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, कस्टम शॉप पेज बना सकते हैं। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, इसके बारे में वजह जानते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, हमारा जो ये शॉप है इसके अंदर ये एक टिपिकल सा डिज़ाइन सेटअप है जो कि ऑटोमेटिकली इस थीम के रेलिवेंट डिज़ाइन होके हमें शो हो रहा है, राइट। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं मज़ीद एडिट करूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ और बैनर लगाऊँ, यहाँ पे कुछ और चीज़ें लगाऊँ, ये सारी चीज़ें इनको मैं कस्टमाइज़ करूँ, राइट। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है इसको एडिट करने का। तो चलते हैं यहाँ पे हम अपने एलिमेंटर के अंदर, एलिमेंटर प्रो के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा टेम्पलेट्स के अंदर थीम बिल्डर का। थीम बिल्डर पर हम जैसे ही जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है प्रोडक्ट आर्काइव्स। सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है, ऐड न्यू क्लिक करना है, ओके। जैसे ही मैंने ऐड न्यू क्लिक किया तो इसने मुझे कुछ टेम्पलेट शो करवा दी, लेकिन इन टेम्पलेट्स में से मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैं कस्टम डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, इसको भी मैं कैंसिल कर दूँगा, इसको भी कट कर दूँगा। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास एक बेसिक सा डिज़ाइन शो हो रहा है और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट जो है वो विजिट शो हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, राइट। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स को ऐड करूँ, सॉरी यहाँ पे मैं एक रो ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कोई भी आर्काइव प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे देखें वो सारे प्रोडक्ट शो हो जाएंगे कुछ इस तरह से। लेकिन मैं इसको मज़ीद अपने तरह से डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे देखें मैं कुछ इस एक सेक्शन लूँगा, सॉरी एक सेक्शन लूँगा, इसके अंदर मैं ज़रा पैडिंग दे देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ, राइट। और यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड इमेज सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी पोजीशन सेट कर सकता हूँ और यहाँ पे मैंने डिफरेंट एक इमेज यूज़ कर ली, राइट। अब इसके ऊपर मैं एक टाइटल शो करना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसके ऊपर एक अच्छा सा बेसिक सा जो है वो इफ़ेक्ट देना चाह रहा हूँ ओवरले का। तो ये इफ़ेक्ट दे दिया मैंने एक थोड़ा सा ब्लैक सा, और इसके ऊपर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, टाइटल लिखना चाह रहा हूँ, आर्काइव टाइटल। तो यहाँ पे मैं आर्काइव टाइटल दे देता हूँ, ठीक है, जो कि है हमारा शॉप। और इसकी जो मैं सेटअप है, इसके जो कलर है वो मैं इसको ज़रा वाइट कर देता हूँ ताकि वो अच्छे तरीके से शो हो। और इसकी मज़ीद डिफरेंट सेटिंग्स मैं यहाँ से कर सकता हूँ, टाइपोग्राफी क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, राइट। बट अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे क्या हो, मेरा जो शॉप पेज हो वो हो, इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद जो है इसके अंदर पैडिंग दे देता हूँ, सॉरी मार्जिन नहीं देना था, पैडिंग देनी थी टॉप से 5 और बॉटम से 5। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोडक्ट्स जो है वो आर्काइव यहाँ से इस तरह से शो करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस तरह से शो हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे डिफरेंट डिज़ाइन जो हैं वो मैं एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं ऑर्डर ये स्टाइल के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे देखें कॉलम्स के अंदर गैप्स है, उसको कितना रखना है मुझे, रोज़ का गैप्स कितना रखना है यहाँ पे देखें, और कॉलम गैप्स कितना रखना है,
तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, स्पेसिंग, टाइपोग्राफी कौन सी होनी चाहिए इन सारी चीज़ों की, ठीक है, रेटिंग का कलर क्या होना चाहिए, किस किस तरह से, ये सब तमाम जो है कस्टमाइज ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखें, ये सेल का ऑप्शन है, इसका जो कलर है इसका कलर इस तरह से होना चाहिए, या और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो इस तरह से, कौन सा आप शो करवाना चाह रहे हैं, तो कुछ इस तरह से आप इसको अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लातादाद ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अब इसके अंदर मुझे मज़ीद कुछ और एडिट करना है तो यहाँ पे ये देखें सारी चीज़ें ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा एडवांस के अंदर आएंगे, मज़ीद स्पेसिंग और एनिमेशन वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा कोई भी इस पेज के अंदर आपने एडिशन करनी है, डिलीशन करनी है, वो आप ऐड कर सकते हैं। कोई भी तरह का एलिमेंट यहाँ पे ऐड करना है, इसके बॉटम के अंदर कुछ भी ऐड करना है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा बेसिक से शॉप पेज था जो कि ख़त्म, और इसको एडिट करने का हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, बट यहाँ पे हमारे पास लातादाद ऑप्शन हैं जिनके ऊपर हम जिनको एडिट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो ये इस तरह से आप सेटअप करेंगे। उसके बाद जब मैं इसको पब्लिश करूँगा, एड कंडीशन करूँगा, ऑल प्रोडक्ट आर्काइव पर इसको सेव एंड क्लोज कर दूँगा। ओके, यहाँ पे ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये शॉप पेज था, अब इसको मैं रिलोड करूँगा, जो डिज़ाइन मैंने बनाया था वो यहाँ पे शो होना चाहिए, और वो डिज़ाइन यहाँ पे देखें शो हो चुका है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो है प्रोडक्ट पेज या शॉप पेज जो है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं कस्टमाइजली, सिर्फ अपने लिए। जिस तरह का लेआउट क्लाइंट चाह रहा है उस तरह का लेआउट आप बना सकते हैं, जिस तरह की सेटिंग्स डिज़ाइन चाह रहा है क्लाइंट और कस्टमाइजेशन चाह रहा है शॉप पेज के अंदर, तो आप इस तरह से शॉप पेज के अंदर डिज़ाइन एंड कस्टमाइजेशन कर सकते हैं यूजिंग एलिमेंटर। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है ज़रूर नीचे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।